हेलो एवरीवन, दिस इज़ ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ कलेक्शन दिखाने वाले हूँ जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस है। ये मैं छुटकी के लिए लाई हूँ, जो कि मेरी जेठानी की छोटी वाली बेटी है, उसके लिए मैं लेके आई हूँ। और ये सब चीज़ें मैं नेपाल और बिहार इंडिया के बॉर्डर से लाई हूँ, जोगबनी से लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्केट है। एंड मतलब मुझे ना वहाँ का मार्केट बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें वहाँ से ले जानी चाहिए। तो ये मैं दो छोटी छोटी प्यारे से ड्रेस लाई हूँ समर सीज़न के अकॉर्डिंग, बिकॉज समर सीज़न में बच्ची में बहुत अच्छे लगेंगे ये ड्रेस। तो काफ़ी कंफर्टेबल है, अगर कलर वलर ना जाए तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई हूँ, बाकी आप देख ही सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे इस ब्लॉग में दिखाऊँगी, एंड आप बताना आपको कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा और ये ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है? तो मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस ये मैं लाई हूँ बिट्टू के लिए, जो मेरी जिठानी की बड़ी वाली बेटी है ना, उनके लिए मैं लाई हूँ बिट्टू के लिए। ये भी बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी टाइप का ड्रेस है, वाइट कलर का है, ब्लू कलर के जीन्स पे या वाइट जीन्स पे चलेगा आराम से, या वन पीस टाइप का भी पहन सकती है वो। तो इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, एंड समर सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ड्रेस है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ड्रेस है ये। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए कुर्ती लाई थी, नॉर्मल कुर्ती है ये। हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन एक होता है ना कि हम वहाँ से गए हैं तो कुछ चीज़ें खरीद के लाएँ, कुछ मार्केटिंग करके लाएँ। नेपाल तो इतना महंगा है कि वहाँ से भाई ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, और वहाँ पे मूड ऑफ हो गया था हम लोगों का। महंगा सस्ता कुछ नहीं है, मतलब फिर भी मूड ऑफ हो गया था, तो इसलिए नहीं लाई थी मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और ये सब सूट है, एक ये है, एक और है, और मतलब ये सब कुर्ती कलेक्शन है। एक मैं दो मैं प्लाजो भी लाई थी, एक ब्लैक कलर का एंड ब्लू कलर का, क्योंकि वहाँ पर प्लाजो का फैब्रिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, हमारे यहाँ से बहुत अच्छा लगा, तो ये मैं लाई थी। और उसके बाद मैं अपनी जेठानी के लिए भी कुर्ती लाई हूँ, तो क्योंकि वो थोड़ी सी हेल्दी है तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब 50 मतलब डबल एक्सल आई थिंक चलेगा, तो इस टाइप का मैं लाई हूँ, जो बड़ा है वो उनका है। और उसके बाद और भी कुछ कुछ छोटे मोटे कलेक्शन लाई थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आई, लेकिन हाँ सबके लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लाई, जो कि मैं क्या बोलूँ, मतलब डेली यूज़ में आ सकता है, आदमी पहन सकता है, क्योंकि मुझे जो समझ में आया मैं वहाँ से लाई। और वहाँ पर ऐसी ऐसी वहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी, तो ये मैं लोअर लाई हूँ अपने लिए, और कुछ बेडशीट वगैरह लाई हूँ। वहाँ पे बेडशीट का कलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये जो बेडशीट देख रहे हो ना आप, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। तो क्योंकि बाबू है छोटा है तो गंदा कर देता है लोग, वाइट कलर का बेडशीट मैं ज़्यादा यूज़ करती थी पहले, लेकिन मैं सोची चलो अभी बरसात का टाइम है तो ये वाला डाल दूँगी, गंदा भी होगा तो दो तीन दिन एक्स्ट्रा चले जाएगा, क्योंकि मैं कभी यहाँ रहती हूँ कभी मायके रहती हूँ। ये एक मेरे पति देव को पसंद आया था बेडशीट, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, तो ये बेडशीट मैं एक ली, और भी एक ली हूँ मैं अपनी जेठानी के लिए भी ली हूँ, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उनके लिए भी सेम अपने जैसा ही ली हूँ। और हम बिछा के देखी, काफ़ी अच्छा रहा था, और इस सबका ना मतलब थोड़ा सा कॉस्ट भी वहाँ पर मुझे सही लगा, ठीक ठाक प्राइस में वहाँ पर मिल गया, तो ये दोनों मैं लेके आई थी। और ये मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग बना रही हूँ, मैं एडिट कर रही हूँ बाहर, थोड़ा सा बाहर की साउंड आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना। मम्मी के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं है क्या लाऊं, बिकॉज मम्मी साड़ी पहनती ही नहीं है ज़्यादा, और पहनती है तो मेरे पास आपको पता है प्रमोशन के लिए इतनी सारी साड़ियाँ आती है कि मैं ख़रीदती नहीं हूँ साड़ी, क्योंकि मैं साड़ी क्या ख़रीदूँगी, सेम साड़ी वो आती है। तो मैं यहाँ पर दो नाइटी ले ली थी मम्मी के लिए, और मतलब मुझे लग रहा था कि क्या ही साड़ी की शॉपिंग किया जाए, एक्स्ट्रा शॉपिंग किया जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो मम्मी पहनती है जो उनके लिए कम्फर्टेबल है वही ले ली, क्योंकि मम्मी मेरी ना दिन भर नाइटी में रहती है, मतलब जो मेरी सासू माँ, क्योंकि उनका एज भी हो गया है थोड़ा सा, और वो साड़ी में अनकंफर्टेबल फील करती हैं, काम वम नहीं हो पाता है, रह नहीं पाती हैं अच्छे से, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब मैं वही चीज़ें लाई हूँ जो यूज कर पाए ना, कि जो बक्सा में रख दे। उसके बाद भैया के लिए दो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे नहीं, मतलब पैंट, जो नॉर्मल पैंट होते हैं वो सब लाई हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं डेली यूज वाली चीज़ें लेके आई हूँ। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जीन्स वगैरह होगा हमारा, और भी सारी चीज़ें होगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होगी, कुछ कुछ चीज़ें तो मेरी ट्रॉली में पड़ी है तो मैं निकाली भी नहीं हूँ अभी तक। और ये जूती है, ये मैं अपने लिए लाई थी, क्योंकि भाई देखो मैं ना साड़ी रोज़ चेंज करती हूँ, ड्रेसेस मेरे रोज़ चेंज होते हैं प्रमोशन के लिए, और लोगों का कमेंट्स आता है कि इतना सारा ड्रेस चेंज करके पहनती हो और सैंडल तुम्हारा चेंज नहीं होता है, तो भाई देखो सैंडल भी मैं पहनती हूँ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है।
सैंडल भी मैं चेंज करती हूँ, लेकिन मैं ये कैसे बता दूँ आप सबको कि मेरे पास साड़ी अगर 500-600 साड़ी है तो 500-600 मेरे पास सैंडल का भी कलेक्शन है। जी नहीं, मेरे पास 500-600 सैंडल का कलेक्शन या जूती का कलेक्शन नहीं है, मेरे पास है 10-15 है, इतना ही है। तो इसीलिए मैं वही मिला जुला के पहनती रहती हूँ, क्योंकि साड़ी प्रमोशन के लिए आती है, सैंडल नहीं आते। सैंडल आते हैं मतलब जहाँ साड़ी 50 साड़ी आई प्रमोशन के लिए, वहाँ पर सैंडल 2-3 आई, तो बस उसी हिसाब से। और ख़रीदती भी हूँ तो अपना खादिम्स वगैरह का खरीद लेती हूँ, तो ब्रांड खरीद लेती हूँ, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, कहीं रोज़ हमको जाना नहीं है तो अपना चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है ब्रांड है, ये जीन्स मैं 3 जीन्स लाई हूँ जो कि उससे लाई हूँ, ट्रेंड से लाई हूँ, जो रिलायंस ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स में मैं तो गई भी थी, तो वहाँ से मैं लाई हूँ अपने लिए 3 जीन्स लाई हूँ, क्योंकि ये जीन्स ना मेरे पति देव को पसंद आई थी, और उनको ना ब्रांडेड कपड़ा ही पसंद है। मैं लोकल उठा लेती हूँ कहीं से भी, अपने लिए या दूसरे के लिए, किसी के लिए भी, मैं अपने लिए भी लोकल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ब्रांड ही ज़्यादा पसंद होता है। तो ये वाला जीन्स, एक और जीन्स और एक और होगा, 3 जीन्स मेरे लिए ख़रीदे थे वो, कि जब तुम मन करेगा तो पहन लेना, लेकिन उनको भी यही लग रहा है कि तुम्हारा साड़ी का ही प्रमोशन करते करते रोज़ का दिन निकल जा रहा है, तो जीन्स कब पहनोगी। वो चाहते हैं कि तुम जीन्स वगैरह में भी बाहर आया करो, पहना करो, लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं अपनी साड़ी में ही बिज़ी रहती हूँ, इतना मेरा काम हो जाता है साड़ी वाला ही, रोज़ इतनी सारी साड़ियाँ आती रहती है ना, उसी में मैं परेशान रहती हूँ। और ये देखो न्यू जीन्स है, इसमें स्टिकर भी लगे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ था ना कि हम जब आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसी में मेरा भाई ने ये सारा जीन्स गिरा दिया, ऊपर वाले झोला में ही रखा हुआ था, बस मिट्टी लग गया, क्योंकि रास्ते में कीचड़ था, मिट्टी लगा। मैं बोली चलो इसको धो दूँगी। उसके बाद ये सारा कलेक्शन हो गया, मैं दिखा दी आप सबको। अब मेरे पास एक पार्सल आया था जो कि प्रमोशनल साड़ी के लिए है, वो भी मतलब 2-3 आया था, लेकिन मैं एक ही ओपन करके दिखा रही हूँ, अभी 2 रखा हुआ है और रेस्टोरेंट में ही है, वो आया नहीं अभी मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी जिमी चू की साड़ी है, और इस सेम कलर मेरे पास ऑलरेडी जिमी चू की साड़ी आई हुई है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती यार। चलो आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है जिमी चू की, आपको पता है आजकल कलेक्शन सबसे ज़्यादा मेरे पास हो गया है, और मैं 15-20 साड़ियाँ जिमी चू की ऑर्डर की थी, जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है, 3-4 अभी पेंडिंग में है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। और ये जो इसका फैब्रिक है जिमी चू है, प्योर मोती की कढ़ाई है, रामा कलर है, अगर आपको भी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं पेज सजेस्ट करती ही रहती हूँ, और जो मेरा इंस्टा आईडी है वो है ब्यूटी चंदन तिवारी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। जज में जब से आई हूँ ना, तब से मैं सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ, मतलब पूरा घर मेरा कबाड़ी हो जाता है, मैं कहीं भी चले जाती हूँ तो आप सोच ही रहे हो इतना सारा कपड़ा ले जाना, फिर ले आना, सारे कपड़े को धोना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ऊपर से अभी बारिश का मौसम है, कपड़ा सूखेगा भी नहीं। फिलहाल मैं बेडशीट वगैरह अपना चेंज की हूँ, पूरे घर की साफ सफाई अभी थोड़ा बहुत करना बाकी है, और जितने सारे कपड़े धोने हैं सबको बाहर निकाली हूँ, और भी कुछ कुछ काम बाकी है। इतने प्रमोशन के लिए साड़ी आए हैं, सबको अलग रखी हूँ, प्रमोशन के लिए इतनी सारी साड़ी आई है ना। देखो ये वाला ट्रॉली तो मुझे अंदर रख देना है बेड में, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला, इसमें ना सिर्फ साड़ी ही भरी हूँ, सब प्रमोशनल साड़ी है, इसमें सब न्यू ड्रेसेज है, इसको सब मैं, ये सारे जो भी कपड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं, सब धोऊंगी मैं। और ये है मेरा नया बेडशीट, तो मैं बेडशीट भी बिछा दी हूँ, ये जल्दी गंदा नहीं होगा, मतलब इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा है। ये है बिट्टू रानी, ये है अथर्व तिवारी, मैं। गुड मॉर्निंग, हमारा सुबह सुबह का टाइम हो गया है, और ये देखो मेरे पास कौन है, धन्नू है। धन्नू को के लिए जो कोई कल नया ड्रेस लाई थी ना मैं, और ड्रेस ये पहनी भी थी, लेकिन मैं उसमें वीडियो शूट नहीं कर पाई। सो ये देखो, और मैं पैकिंग कर रही हूँ मायके जाने के लिए, क्योंकि कल से अथर्व का स्कूल ओपन हो रहा है, और मेरा बहुत सारा प्रमोशन बाकी है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं जब से गई हूँ घूमने तब से कोई भी प्रमोशन नहीं की हूँ, कोई भी साड़ी का कोई भी ऐड नहीं की हूँ, तो पूरा बैग भर भर के मेरा साड़ी हो गया है, कम से कम 20-25 साड़ी है जिसका मुझे कोलाबेशन करना है। उसके लिए टाइम चाहिए, अच्छा जगह चाहिए, और मेरा आईफोन तो भूल गया, नहीं तो आईफोन रहता था तो मैं कहीं भी शूट कर लेती थी। अब तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं अपने फ़ोन में करूं, कि पति देव के फ़ोन में करूं, किसके फ़ोन में करूं। चलो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। फिलहाल मैं अपना चूड़ा, मेकअप का सामान सब कुछ समेट ले रही हूँ, अथर्व का भी बैग, ड्रेस सब कुछ रेडी करूँगी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं वहीं पर रहने वाली हूँ। यहाँ पर हमारा रास्ता बहुत ख़राब हो गया, मैं आपको पहले ही बताती हूँ, मेरे ससुराल वाला घर थोड़ा सा गली में है, और वो गली बना नहीं है, मतलब मिट्टी वाला है, तो इस वजह से बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं तो मम्मी घर जा रही हूँ, क्योंकि अथर्व को स्कूल ले जाने में दिक्कत होगी सुबह सुबह फिर। हेलो,
तो ये देखो मेरा मेकअप का सामान ऐसे फैला हुआ है। यहाँ पर मेरा चूड़ा है, यहाँ पे चूड़ी एंड यहाँ पर थर्व का स्कूल बैग। सारे चीज़ें मैं समेट लेती हूँ और इतने सारे कपड़े धोई हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। सारे कपड़े सूखे नहीं है बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जा रही हूँ पहले छत पे देखने की कपड़े सूखे हैं कि नहीं।